स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेट तो बच्चे काफी टाइम से कर रहे हैं, पर एमपी बोर्ड के रिजल्ट की कोई भी फिक्स डेट अनाउंस नहीं कर रहा है। अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन सामने आई है, जो भी मीडिया में आपको बताया जा रहा है, जो भी न्यूज़पेपर में आपको बताया जा रहा है, वो बस एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई है। सभी बच्चे यही वेट कर रहे हैं कि कब एमपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा, हमारा रिजल्ट आएगा, हम चेक कर पाएंगे, क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया है। बीच में 15 अप्रैल की हाइप बन रही थी पर उस टाइम पर आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। अभी 20 तारीख की बन रही थी पर 20 को भी नहीं हुआ। अब जो हाइप बन रही है वो बन रही है 22 से 25 के बीच में, एंड ये जो 22 से 25 के बीच की डेट है ये भी फिक्स नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि 90% चांसेस हैं कि इन डेट्स में आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, पर अभी तक इसका भी कोई ऑफिशियल नोटिस सामने नहीं आया, जबकि अभी तक आ जाना चाहिए था। मैंने आपसे कहा था कि सैटरडे संडे में कोई नोटिस आना है, पर अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है। पर यहाँ पर कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है जिसको देख के आप थोड़ा सा खुश हो सकते हो, थोड़ी सी उम्मीद आपकी बढ़ सकती है कि हाँ अब कोई ऑफिशियल नोटिस आ सकता है। तो ये नोटिस कहाँ पर अपडेट किया जाएगा, कहाँ से आपको चेक करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, क्योंकि ये जो अपडेट आ रही है वो काफी अच्छी है, आगे आपको बताता हूँ। वीडियो में तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा, एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग का काम पूरा हो चुका है, यानी कि 10 अप्रैल तक आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक हो जानी चाहिए थी, जो कि टाइम पर हो भी गई है। पर अब जो प्रोसेस की जा रही है उसमें आप सभी का रिजल्ट बनाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि आपका जो रिजल्ट है वो प्रोसेस किया जाता है, चेकिंग सेंटर से आपके मार्क्स भेजे जाते हैं एमपी बोर्ड में, आपके स्कूल से आपके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स भेजे जाते हैं एमपी बोर्ड में, फिर एमपी बोर्ड में इन दोनों मार्क्स को कंबाइन करके आपका जो रिजल्ट है वो प्रोसेस किया जाता है, वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है, देन आप चेक कर पाते हो। तो यहाँ पर अपडेट ये आ रही है जो कि सुनने में भी काफी अच्छी है कि एमपी बोर्ड का रिजल्ट बनके तैयार हो चुका है, यानी कि पूरा काम हो चुका है, कॉपी चेकिंग भी हो गई है, आपका जो रिजल्ट प्रोसेस किया जाता है वो भी प्रोसेस हो चुका है, यानी कि एमपी बोर्ड के पास आपका जो रिजल्ट है वो बनके रखा गया है। अब बस देरी इस बात की है कि एमपी बोर्ड कब इसको अनाउंस करेगा। अब देखिए पूरा काम हो चुका है, रिजल्ट भी बन गया है, अब बस एमपी बोर्ड को डेट फिक्स करनी है, एंड आपके वेबसाइट पर आपका रिजल्ट अपडेट करना है, पूरा डेटा अपडेट करना है, देन इसको पब्लिक करना है जो भी सर्वर्स एमपी बोर्ड की तरफ से बनाए जाएंगे। कैसे सर्वर्स होते हैं, कहां पर आपको चेक करना है, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको एमपी बोर्ड की वेबसाइट ओपन करनी है, यहां पर आपको एक रिजल्ट का सेक्शन दिख जाएगा नीचे, इस पर आप जैसे ही एंटर करोगे यहां पर आपको कुछ सर्वर दिखेंगे, टॉप में ही आपको 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के सर्वर दिख जाएंगे जब भी एमपी बोर्ड की तरफ से बनाए जाएंगे, अभी तक नहीं बनाए गए हैं। आप चाहें तो नीचे यहां पर प्रीवियस सेशन के सर्वर्स देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर आपको 10th और 12th के 2023 के रिजल्ट के सर्वर दिखाए जा रहे हैं, ऐसे ही आपको 2024 यानी कि इस बार के रिजल्ट के सर्वर भी टॉप पर दिख जाएंगे, एमपी बोर्ड की तरफ से कुछ ही टाइम में एक्टिव कर दिए जाएंगे, क्योंकि इस अपडेट में आपको बताया जा रहा है कि जो रिजल्ट की स्टेप्स होती हैं बनाने की वो अंतिम चरण में, यानी कि आखिरी कुछ प्रोसेसिंग बची होगी एमपी बोर्ड की। रिजल्ट तो आपका बनके तैयार हो ही चुका है, हो सकता है कि इसको वेबसाइट पर अपडेट करना बचा हो या फिर ये जो सर्वर से इनको बनाना बचा हो, यानी कि एंड प्रोसेस पर है। आप ऐसा मान सकते हैं कि आप कभी भी एमपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी हो सकता है जिसमें कि आपको रिजल्ट की फिक्स डेट बताई जा सकती है, टाइम बताया जा सकता है, क्योंकि काम पूरा हो ही चुका है, आप खुद ही यहाँ पर देख रहे हैं। कभी भी नोटिस जारी हो सकता है, जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको तुरंत बता दूंगा वीडियो के थ्रू, तो कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि अब रिजल्ट के काफी करीब आप आ चुके हो, आपका जो इंतजार है वो भी खत्म होने में ही है, एंड अब ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा क्योंकि पूरा काम हो चुका है। मैंने आपको बताया ही है कि रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है, एमपी बोर्ड के पास पूरा बना बनाया रखा है, अब बस वेबसाइट पर अपडेट करना है एंड इसको पब्लिक करना है ताकि आप चेक कर पाओ। तो जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर इस अपडेट में आपको एक चीज और बताई जा रही है, जो डेट है उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन यहाँ पर दिख रहा है। अभी तक बात हो रही थी कि 22 से 25 के बीच में अनाउंस किया जाएगा, पर आपको पता ही है कि एमपी में चुनाव स्टार्ट हो गए हैं, काफी जगह वोटिंग भी हो गई है, तो उस कारण से ये जो डेट है वो थोड़ी सी और बढ़ सकती है, पर इस महीने के एंड में आपका जो रिजल्ट है वो 100% अनाउंस होगा। अब जो डेट यहाँ पर बताई जा रही है वो 25 से 28 के बीच में बताई जा रही है, एंड मैंने आपसे कहा कि ये कोई कन्फर्म नहीं है, 22 से 25 के बीच में भी आ सकता है, 25 से 28 के बीच में भी आ सकता है, वो सब डिपेंड करता है कि नोटिस में क्या डेट हमें बताई जा रही है। वैसे में आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, फर्जी चीजों से बचकर रहना पड़ेगा। अभी आपने देखा ही होगा रिसेंट में ही एमपी बोर्ड के काफी सारे ऐसे यूट्यूबर है जिन्होंने फेक नोटिस वायरल किया हुआ था, जो कि मैंने आपको दिखाया था, जो कि ये कह रहे थे कि 20 तारीख को रिजल्ट अनाउंस होगा। 20 तारीख जा चुकी है, आप देख ही रहे हैं कि एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया है या फिर नहीं आया है, तो कुछ यूट्यूबर ऐसा कर रहे हैं, तो उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। बाकी जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। इस अपडेट में अभी आपको यही बताया जा रहा है कि आपको भ्रमित नहीं होना है, जो भी नोटिस आएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी डेट आएगी, वो एमपी बोर्ड की तरफ से एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी, यानी कि mpbsc.nic पर आपका नोटिस अपडेट किया जाएगा, एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां पर भी ये नोटिस अपडेट किया जाएगा। तो आपको या तो इन दोनों को फॉलो करके रखना है, यहाँ पर नोटिस अपडेट किया जाएगा, या फिर मैं आपको टाइम पर बता दूंगा। तो आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है, किसी भी तरह की अफवाह में नहीं पड़ना है, आपका जो रिजल्ट है वो इस महीने के एंड में 100% आएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो रिजल्ट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अनाउंस किया जाएगा, जिसमें कि आपके शिक्षा मंत्री भी रहेंगे, यानी कि उदय प्रताप सिंह जी भी रहेंगे, वहीं से आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। एंड जब भी आपका रिजल्ट अनाउंस होगा उसके 2 दिन पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि अचानक से रिजल्ट आएगा आप नहीं देख पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन
रहेगी। तो अभी अच्छी खबर यही है, यानी कि गुड न्यूज यही है कि आपका जो रिजल्ट है वो बन के तैयार हो चुका है, यानी कि जितने मार्क्स आपके आने हैं, जितने परसेंटेज आपके बनने हैं, वो एमपी बोर्ड के पास आ चुके हैं, बस आपको अभी तक नहीं दिखाए गए हैं। एंड कुछ ही टाइम में आपका ये इंतजार भी खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।